हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्याय एकेडमी। नाउ ये आज इस दिन का सबसे इम्पोर्टेंट आपका वीडियो रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम चर्चा करेंगे द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस की। आज 3 जून है, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपको पढ़ने चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर। देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एडिटोरियल है जो पढ़ने लायक है आपके लिए, सो उसी के लिए ये पूरा वीडियो बनाया जाएगा। इसको ध्यान से आपने इसमें से नोट्स बना लेने, बिकॉज ये प्रॉस्पेक्ट्स बता रहा है इसके अंदर यूपीएससी और जुडिशरी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए एक प्रोस्पेक्टिव इंडिया का रोल क्या रह सकता है। जो आपको पता होगा दोस्तों, जो हम 6th और 7th पैराग्राफ जो लिखते हैं एसेज के अंदर, जब वो लास्ट पैराग्राफ जैसा हमारा रहता है आंसर्स के अंदर, तो वहां उस एरिया में जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, तो इस जैसे एडिटोरियल्स होते हैं, इन जैसे एडिटोरियल्स की वजह से हम वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स कुछ चीजें लिख पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, देखते हैं इस एडिटोरियल के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखनी है। नाउ मुकुल सानवाल जी ने ये एडिटोरियल लिखा है, इज अ फॉर्मर यूएन डिप्लोमेट फ्रॉम इंडिया एंड इन्होंने बहुत बखूबी अपना काम किया है। देखते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने बोली है। अ पिक्चर स्पीक्स अ 1000 वर्ड्स एंड यहाँ पे ये 1000 नहीं लैक्स ऑफ वर्ड्स बोल रही है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, जहां पे यूएस का डिक्लाइन हो रहा है, सब तरफ आप देख रहे हैं यूएस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो देयर इज एन एंटी चाइनीज सेंटिमेंट जो कि दुनिया में चल रहा है, एंड चाइना बेसिकली दिस इज अ ग्रिम नॉट ग्रिन नॉट अ स्माइल, तो ये ग्रिन कर रहा है जिस तरीके से चाइना ने। आई रियली फील बैड अबाउट चाइना, द वेरी फैक्ट दैट किस तरीके से कम्युनिज्म को यूज करते हुए एंड अपनी टेरिटोरियल हेजेमनी को यूज करते हुए चाइना ने अपना सुपीरियोरिटी जो है वो प्रोजेक्ट की ओवर द वर्ल्ड, एंड यूएस जो है वो देखता रह गया। ट्रेड वॉर के चलते हुए भी ट्रेड वॉर भी चलाई यूएस ने, उसमें भी उसको कोई भी फायदा नहीं हो पाया। सो आप this picture you can understand it speaks 1000 of words. now what us will have to do is us will have to look towards india. wo kaise hoga, india ko kaise khud ko project karna hoga, ye sari cheeze is editorial analysis mein se nikal ke aayegi. now what india can do is india can set the world response. कारण क्या है, देखिए जो स्टार्स है ना, जो इंडिया की कुंडली है आप कह लीजिए, वो बहुत ही अलग किस्म से इस बार अलाइन होने वाली है। सितंबर के अंदर यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक थीम डिस्कस होने वाली है, द फ्यूचर वी वांट, और 2021 के अंदर भारत जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट पे वापस आ जाएगा, और उसके साथ साथ ब्रिक्स समिट को इंडिया ने चेयर करना है 2022 में, और G20 को भी होस्ट करना है। सो बेसिकली आने वाले तीन साल बहुत कॉन्ड्यूसिव हो सकते हैं इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, और इंडिया ग्लोबल रिस्पांस को बेसिकली डिजाइन कर सकता है। एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो ग्लोबल थॉट प्रोसेस में ग्लोबल थॉट लीडरशिप को डिफाइन कर सकता है एंड अपना रोल डिफाइन कर सकता है। व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज टू क्राफ्ट अ ग्लोबल ट्रायम्वायरेट जो बेसिकली इस पूरे जंजाल से दुनिया को बाहर निकाल सकता है। व्हाट वी नीड इज अ ग्लोबल बोल्ड विजन, अ राइट स्ट्रेटेजिक चॉइस, हमें ये सही चुनना होगा। हमें अब इस बार ऐसा नहीं करना है कि यूएस और चाइना के बीच में चूज करना है, हम एक नैम 2.0 की तरफ जा सकते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको ये जो निष्कर्ष बताया है ये पूरे इस एडिटोरियल में से निकालकर, इस चीज को आपने नोट कर लेना, इसमें फैक्चुअल चीजें अभी हमारे सामने आएंगे भी। नाउ आप सबको एक बधाई की भी बात देना चाहूंगा, दाद भी दूंगा। आज जो है 3 जून है, एंड 3 जून इज अ वेरी फेमस डेट। 3 जून प्लान आया था जिसका दूसरा नाम था डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान। नाउ ये जो डिकी बर्ड प्लान है ये क्या था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नाउ ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन ने प्री कॉलोनियल एरा से ही लेके और कॉलोनियलिज्म की शुरुआत तक और उसके अंत तक क्या किया, मिलिट्री माइट एस्टैब्लिश की हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और धीरे धीरे लैंड रेवेन्यू निकालते हुए बंगाल से पूरे के पूरे भारत को कॉन्कर कर लिया। सिमिलरली अगर यूएस की बात करें तो यूएस उस समय से लेके आज तक जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उसको तोड़ने में लगा हुआ है, और आज अगर उसकी सिचुएशन देखें तो वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है, ये देखने में लगा हुआ है कि कौन डोमिनेंट है कौन नहीं। लेकिन भारत की सिचुएशन आज की डेट में इतनी कंड्यूसिव हो चुकी है कि
एक साल 2020, दूसरा साल 2021, 2022, तो बेसिकली 3 साल हमारे पास ऐसे हैं जहां इंडिया, अब इस साल की बात करें तो इस साल हर्षवर्धन जी को जो है एग्जीक्यूटिव चेयर में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयर ऑफर की गई है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO, तो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी की चेयर जो है भारत को मिली है और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को वहां पे बिठाया गया है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमें इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ग्लोबल चेंजेस को नोटिस करना होगा, एक एक एस्पेक्ट को बारीकी से समझना होगा, नोट्स बनाते चलना रहेगा। नाउ अभी जो NAM का समिट होने वाला है, तो NAM का जो समिट सॉरी हुआ उसमें जो ऑनलाइन समिट रहा, प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही कि हमें नए प्रिंसिपल्स चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम के, और उसी के चलते एक न्यू ग्लोबलाइजेशन मॉडल जो है विच इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, फेयरनेस एंड इक्वालिटी, ये प्रपोज किया और उसको बहुत सपोर्ट भी दी गई। इन अ मोर इक्वल वर्ल्ड एज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1950 एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग द सेम थ्रेट, ये कोरोना वायरस। नाउ इंडिया शुड लुक अपॉन इट्स ओन रीएमर्जेंस, चाइना की तरफ ना देखें, US की तरफ ना देखें, अपनी रीएमर्जेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लूजिंग चाइना एक अपॉर्चुनिटी है, और चाइना का जो ये इन्फ्लुएंस कम हो रहा है दुनिया के ऊपर, दिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस बंगाल टाइगर्स। एंड सिमिलरली द डायनेमिक्स इन इट्स रिलेशनशिप विद द US, US अब चाहता है कि चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस लूज करे, तो वो डेफिनेटली इंडिया के हक में बोलने वाला है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी ट्रंप भाई साहब की, तो उन्होंने बोला था कि G7 में इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए, इंडिया शुड बी इंक्लूडेड। तो अगर ऐसा हो जाता है, इंडिया विल बिकम वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द रीजन, है ना। तो इस वजह से हमें US की बात को भी ध्यान से सोच समझ के परखना चाहिए, एज US अगेन बिकम्स सेंट्रल टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। अब समय अलग है, बात अलग है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है, आज फिर से ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। विद द ग्लोबल गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंटिफिक रिसर्च एंड सोसाइटी नीड ऑफ बीइंग रीइन्वेंटेड, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो पुराना वही थॉट प्रोसेस, नालंदा वाला एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्यूटेशंस, जीरो एज अ नंबर जब हमने पूरी दुनिया को दिया, आयुर्वेद की बात करें, आयुष मिनिस्ट्री इज वर्किंग सो हार्ड एंड रियली डे इन डे आउट काम कर रहे हैं हम इस तरफ। बुद्धिज्म की बात कीजिए, योगा की, अहिंसा की बात कीजिए, हम इसके साथ साथ हम मॉडर्निज्म को भी अपना सकते हैं। मॉडर्निज्म को कैसे अपनाया जा सकता है, मॉडर्निज्म कैसे अपनाया जा सकता है, वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर क्लोदिंग फैक्ट्रीज, अपैरल इंडस्ट्री की हम बात करें या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो भारत के पास ह्यूज पोटेंशियल है कि वो पूरी दुनिया को कपड़े सप्लाई कर सकता है, एक ग्लोबल चेन सप्लायर हो सकता है। US चाइना क्लैश दे मार्क द एंड ऑफ द मल्टीलेटरलिज्म जो पिछले 70 सालों से चल रहा था। ये जो डोनर रिसिपियंट रिलेशनशिप बताया जाता था डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच में, ये जैसे ही चाइना ने ये प्लेज किया कि मैं $2 बिलियन दूंगा टू फाइट COVID-19, WHO की मीटिंग के अंदर उन्होंने ये प्लेज दिया, तो ये डोनर रिसिपियंट का तो चक्कर ही खत्म हो गया, है ना। जहां पे डोनर अब चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्री बन रही है और USA जैसी कंट्री उस $2 बिलियन में से फंड्स निकालेगी, तो डोनर रिसिपियंट चक्कर, वो मामला ही खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। नाउ एजेंडा सेटिंग रोल जो है G7 का, वो ओवर यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल रूल्स हैज आल्सो बीन इफेक्टिवली चैलेंज्ड बाय WHO, क्योंकि WHO ने जो US की तरफ से डिक्टेट आया था उसको बेसिकली नदारद कर दिया, माना ही नहीं, सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। उसमें क्या कहा था, इट्स विड्रॉल एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ G7 एज आउटडेटेड, बेसिकली WHO ने G7 को कह दिया कि आउटडेटेड है। एंड सिमिलरली US जो क्या है, US कह रहा है कि इसकी एक्सपेंशन की जरूरत है, G7 प्लस की जरूरत है, वहां पे इंडिया का रोल डेफिनेटली रहने वाला है। इंडिया और US के रिलेशंस, जैसे जैसे US और चाइना के रिलेशंस जो है, US चाइना का जो इक्वेशन है उससे डिपेंड होके US इंडिया के रिलेशंस निकल कर आ रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी डाइसी सिचुएशन, इंडिया को ये जो हाइफनेशन है इसको तोड़ना होगा। इंडिया को एक इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पे देखे US, एंड डेफिनेटली इसके प्रोज निकल कर आने चाहिए इंडिया के हक में। नाउ US हैज आल्सो इम्प्लिसिटली रिजेक्टेड द G20 एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे हम WHO की बात करें, चाहे हम बात करें
यूएन की, चाहे हम बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ इन पर्टिकुलर, या फिर वर्ल्ड बैंक की बात कीजिए, ये सारे के सारे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, एंड पर्टिकुलरली इसको कैसे भूल सकते हैं, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड भी तो एक इशू रहा। तो इन सारी के सारी इंस्टीट्यूशन में देर आर चांसेस कि ये इंस्टीट्यूशन वापस से री इन्वेंट हो सकती हैं आफ्टर कोविड-19, पूरी दुनिया उससे अलग होती जा रही है। एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी रिसेंटली ये बात बोली कि इंडिया इज अ नेचुरल यूएस एलाय इन दिस न्यू कोल्ड वॉर। ये जो नई कोल्ड वॉर चल रही है, इसमें इंडिया एक नेचुरल एलाय है यूएस का। नाउ ये जो क्लैश है, ये बेसिकली ये जितने भी क्लैशेस चल रहे हैं ये कोविड-19 के दौरान, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल कर आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंड इसी के साथ मैं एक और टर्म भी बोलूंगा, न्यू कोल्ड वॉर जो चल रही है, दैट इज बेसिकली कॉजिंग अ सीस्मिक शिफ्ट इन विद इन द यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उनको कभी कंसल्ट नहीं किया, यूएस ने ही ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को इंपोज किया, फॉस्टरिंग ट्रेड, कैपिटल टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, इग्नोरिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दीज न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सो बेसिकली यूएस का दबदबा चल रहा था, हेजिमनी चल रही थी। आज क्या है, आज हर एक कंट्री सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स को उतना ही तवज्जो दे रही है जितना पॉलिटिकल या प्रोसीजरल राइट्स हैं। और उसी के साथ साथ इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको चाइना ने खुद एंडोर्स किया, ऑन इक्विटेबल एक्सेस टू एनी न्यू वैक्सीन। कोई भी नई वैक्सीन बनती है उसमें इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। चाइना बेसिकली इसलिए कह रहा होगा क्योंकि चाइना इज वर्किंग हार्डली वेरी हार्ड ऑन दिस वैक्सीन, एंड उसमें कोई भी कह लीजिए कि वैक्सीन में कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। एंड चाइना वॉन्ट्स कि जो वर्ल्ड है, द एंटायर वर्ल्ड शुड नॉट लुक अगेंस्ट दिस कंट्री चाइना। नाउ दिस इज एन अपहिल टास्क फॉर यूएस। कारण क्या है, यूएस क्या चाह रहा है, यूएस इज सीकिंग टू लीड अ न्यू मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे जैसे चाइना का री इमर्जेंस हो रहा है, यूएस चाहता है कि वो अपना एक इंस्टीट्यूशनल मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूशन जो है खड़ा कर चाइना के अगेंस्ट लेके आ जाए। लेकिन चाइना का जो री इमर्जेंस है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इनोवेशन पे बेस्ड है, ट्रेड बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड है। और जो यूएस की मिलिट्री सुपीरियोरिटी है, एट अ टाइम ऑफ डिक्लाइनिंग ग्लोबल ट्रस्ट इन फ्री मार्केट लिबरलिज्म सेंट्रल टू वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, ये काम करने नहीं वाली है। जो वेस्ट का एक्सपीरियंस है आज की डेट में, जो वो शॉक एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वही शॉक है जो एशिया ने आज से 200 साल पहले किया था, कोलोनियलिज्म के एरा में। नाउ दोस्तों, जिस तरीके से ये हॉकिंग होती है सड़कों के ऊपर, आई नो आप लोगों को वीडियो में सुनती है, आप सबसे अनुरोध है थोड़ा हॉर्न फ्री एटमोस्फियर रखिएगा। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि कोविड-19 में ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, इसकी वजह से बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस की वजह से गुजर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस में आप सबसे अनुरोध है, जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारे वीडियो देखने वाले फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबसे अनुरोध है इस मेंटल स्ट्रेस को एक्नॉलेज कीजिएगा एंड एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखिएगा, थोड़ा एम्पथी रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस एडिटोरियल, जो वेस्ट आज शॉक महसूस कर रहा है, 200 साल पहले एशिया उसको महसूस कर चुका है। नाउ द सुपीरियोरिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑल्सो अंडर क्वेश्चन। वो जो व्हाइट सुप्रीमेसी वाला इशू था, आज वैसे ही यूएस के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिस तरीके से यूएस जो है तहस नहस हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारा रेसिज्म देखने को मिल रहा है, देयर इज अ रेसिज्म 2.0 गोइंग ऑन, रेसिज्म 2.0 going on. Very soon I'll be changing this my digital pen and आप सब लोगों को और clearly दिखेगा। चलिए, now ये जो racism 2.0 चल रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज उठ रही है, and in fact इंडिया के अंदर भी इसके खिलाफ बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। Now ये जो COVID-19 का पूरा दौर है, this has drawn our attention towards ancient in Asian civilizations, जो कि global wealth को create कर सकते हैं वापस से। एशिया की तरफ ध्यान लाना बहुत जरूरी हो गया है, एंड एशिया के अंदर इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो इंडिया इज दी ओनली सिविलाइजेशन जो आज भी उस एंशियंट सिविलाइजेशन को जिंदा रखे हुए है, उसमें अभी भी अहमियत है, उसके बहुत सारे राइट्स एंड रिचुअल्स जो हैं वो वहीं से ही निकल कर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन ने आज हमें दी हुई है,
एंड हम उसको यूज करके नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजी, बेसिकली जो हम टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन उस समय करते थे, आज भी इंडियंस के पास एक बहुत अहम चीज है। एंड ऐसी ही कोई चीज मैं इस क्लास के बाद करने भी जा रहा हूं, और वो है जुगाड़। जो जुगाड़ है भारतीयों का बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट दिस इज नॉट, आई एम नॉट डेरोगेटिंग एनी इनिशिएटिव्स, लेकिन ये जो जुगाड़ है, दिस बेसिकली टेल्स अस कि हम ऑप्टिमाइज कैसे करें रिसोर्सेज को, मिनिमम में मैक्सिमम कैसे करें। जैसे शेफ रणबीर ब्रार कहता है, कम में सबसे ज्यादा, कम में ज्यादा कैसे किया जाए, वही चीज है। नाउ एशिया वॉज कॉलोनाइज बैक देन, इट हैड प्लेड नो रोल इन शेपिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन आज का जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, इट विल बी शेप्ड बाय डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, ये एशिया ने फ्यूल किया है। इनफैक्ट एशिया इज वन ऑफ द लीडिंग रीजन्स इन द वर्ल्ड इन डिजिटल रेवोल्यूशन। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, द स्ट्रैटेजिक इशू इज नीदर एडजस्टमेंट टू चाइनाज पावर Nor the deference to US leadership. हमें इससे एक कदम आगे जाना होगा, ना हमें चाइना की पावर के ऊपर फोकस करना है, ना यूएस की लीडरशिप के अंदर आकर उसमें काम काज करना है, हमें इससे अलग थोड़ा और एक कदम आगे जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना हैज कम आउट विद ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस मैकेनिज्म, चाहे वो AIIB है, चाहे वो ADB है। नाउ दीज बोथ दीज ऑर्गेनाइजेशन, चाहे AIIB चाहे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, दे ऑफर एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म अगेंस्ट US डोमिनेटेड वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ये ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस। एंड इनफैक्ट चाइना ने इन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक नोट फ्रॉम चाइना, चाइना ने जिस तरीके से ये किया, उसी तरीके से इंडिया भी कुछ ऐसा कर सकता है। US, European Union और Japan, they are reevaluating globalization as it pertains to China and US, and is US is unabashedly America first. US अभी भी अमेरिका फर्स्ट के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन the entire world is questioning both US and China's exceptionalism. चाइना जैसे खुद अपने बारे में सोचता है, US जैसे अपने बारे में सोचता है, उस exceptionalism के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है, पूरी दुनिया सवाल उठ रही है। There is a global vacuum. The shift is in relative power and its own potential that provides India the capacity to articulate a benign multilateralism. Hum kya kar sakte hain, hum NAM plus jaisa koi ek initiative shuru kar sakte hain that resonates with large parts of the world, puri duniya mein jisko support mil sakti hai. In fact jaise bharat ne international solar alliance banaya tha, jitna support use mila usse kahi zyada support NAM plus ko mil sakta hai, and it can bring both BRICS and G7 into the same tent. G7 को और ब्रिक्स को एक ही टेंट के अंदर ले आइए। NAM इनिशिएट किया था इंडिया ने 1947 के दौरान, सिमिलरली वी कैन री इंट्रोड्यूस NAM एज NAM प्लस इन 2020। नाउ दिस इज इंडियाज टाइम, इंडिया कैन डू दिस, एंड वी हैव द रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली वी हैव वन रिसोर्स जो इसको फ्यूल कर सकता है, एंड दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के सिर पे इंडिया NAM प्लस को चला सकता है। Now this is all this editorial was talking about. इसमें एक चीज और इन्होंने बोली कि एशिया की सेंचुरी जो है, it is right here, right now. उसमें हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, that is peaceful coexistence and freezing the post-colonial sovereignty. जो भी post-colonial sovereignty थी, उसको freeze कर दीजिए, उसको अब उस पे सवाल ना उठे। जैसे चाइना आज कह लीजिए लद्दाख के अंदर हमें अपनी हेजमनी दिखा रहा है, मिलिट्री माइट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इंस्टांसेस को अवॉइड करना चाहिए। देयर शुड बी नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, जैसे पाकिस्तान करता रहता है जम्मू कश्मीर के मामले में। एंड दिस इज वन की लेसन दैट हैज टू बी लर्न्ड फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द US एंड राइज ऑफ चाइना, कि एक दूसरे के घर में टांग मत अड़ाओ। इनफैक्ट US का जो पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं जिमी कार्टर, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि US जो है 3 trillion US डॉलर्स खर्च करता है मिलिट्री स्पेंडिंग पे, लेकिन चाइना हैज नॉट वेस्टेड अ सिंगल पेनी ऑन वॉर, तो वो सारा पैसा चाइना ने बचाया। नाउ नेशनल सिक्योरिटी नाउ रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, AI इंक्लूडेड, साइबर स्पेस, इन सारी चीजों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी डिपेंड करती है। नाउ दिस इज वन पॉइंट दैट दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट, विच आई विल नॉट
बी अग्रीइंग विद, जिसमें इन्होंने बोला कि दैट नॉट एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट एज इंडियाज मिलिट्री हैज एक्नॉलेज्ड. इंडिया की मिलिट्री को अभी एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट की जरूरत है. वी नीड टू सिक्योर आवर नेशनल बाउंड्रीज टेरिटरीज एंड इसलिए वी हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट्स. हम इसमें क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से डिफेंस प्रोक्योरमेंट की हम बात कर रहे हैं डीपीपी के तहत, तो उस प्लान के अंदर हम थोड़ा बेहतर तरीके से जा सकते हैं. हम लोकल हो सकते हैं एंड वी कैन गो एज एक्सपोर्टर्स ऑफ आर्म्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ बेसिकली मिलिट्री इक्विपमेंट नाउ एंड टेक्नोलॉजीज एज वेल. इंडिया के पास वो कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है. डीआरडीओ इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन दीज एरियाज. नाउ व्हाट वी शुड डू इज वी शुड यूज दीज सेविंग्स, जो ये सेविंग्स यहां से निकल कर आने वाली थी, एनहांस एंडोजेनस कैपेसिटी, जैसा कि मैंने बोला, मोल्ड ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी इन आर फेवर, एंड उसको इस तरीके से मोल्ड कीजिए कि जो स्टेट सेंट्रिक थॉट प्रोसेस है जो कि चाइना का है, फर्म सेंट्रिक जो कि प्राइवेटाइजेशन वाला थॉट प्रोसेस है जो यूएस का है, और पब्लिक सेंट्रिक थॉट प्रोसेस जो कि इंडिया का है एक सिस्टम, उसमें एक कह लीजिए एक तीनों का संगम निकलकर एक सिंगल पॉइंट में मिले और वहां से एक नया थॉट प्रोसेस, एक ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी निकल कर आए. अ ग्लोबल कम्युनिटी एट कंपेरेबल लेवल्स ऑफ वेलबींग रिक्वायर्स न्यू प्रिंसिपल्स फॉर ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मोनोपोलीज आपने 25 साल पहले ट्रेड को डिफाइन करने के लिए बना दी थी, उसे आप रिजेक्ट कर दीजिए. अब खत्म कीजिए इस बात को कि जिसने जो बनाया सब उसी का ही है. आप पब्लिक गुड्स, ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्रिएट कीजिए, जिसमें पब्लिक हेल्थ आनी चाहिए, क्रॉप रिसर्च आ सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी आ सकती है, बैटरीज ऑल्सो कैन कम, एंड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बिकम अ ग्लोबल पब्लिक गुड, जिसपे सबका अधिकार हो समान भाव से, एंड इट्स वैल्यूज कम फ्रॉम शेयर्ड डेटा. डेटा शेयरिंग शुड बी प्रोफाउंडेड एंड उसकी ग्राउंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए. एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन और उसकी वैल्यूज को यूज कीजिए जो कि प्रोवाइड कर सकती है हमें कंसेप्चुअल अंडरपिनिंग्स. रीस्ट्रक्चर करिए बोथ इकोनॉमिक ऑर्डर और सोसाइटी के बिहेवियर को. जैसे एड्स के लिए हमने जिस तरीके से सोसाइटी के बिहेवियर को चेंज किया, उसी तरीके से हमें सोसाइटी के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा इस COVID-19 से लड़ने के लिए. ये बात आज ही के हिंदू एडिटोरियल में से निकल कर आ रही है. सो मेक श्योर यू राइट दिस डाउन कि जिस तरीके से हम सोसाइटी में बिहेवियरल चेंज एड्स के लिए लेके आए, सिमिलर तरीके से हमें COVID-19 के लिए भी लाना होगा. मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, सैनिटाइज करना, साफ सफाई रखना, जूते चप्पल घर से बाहर रखना, ये जो पुराने हमारे कह लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन के, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के ख्यालात थे, वो वापस से अब घर कर रहे हैं, वापस से पूरी दुनिया उसको मान रही है. जूतों को सैनिटाइज करना, जस्ट बिकॉज शूज इतनी जगह जाके आते थे. मेरे घर में भी ऐसा होता है कि रसोई में जूते चप्पल अलाउड नहीं होते, मंदिर में भी जूते चप्पल इसीलिए नहीं अलाउड हुआ करते थे क्योंकि वो बहुत जगहों पे होकर आते थे, एंड यू नेवर नो कि किसी ने कहां स्पिट किया है, कुछ कहां पे, कहीं कोरोना वायरस है, कहीं से भी संक्रमण ट्रांसमिशन हो सकता है. नाउ सिमिलर फैशन पे आपको एक इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एजेंडा तैयार करना होगा. इंडिया कैन प्ले एन इमर्जेंट रोल. कारण क्या है, वही 3 साल का हमारे पास पीरियड है. इन दीज 3 years वी आर गोइंग टू गेन एक्सेस एंड चेयर्स ऑफ मेजर मेजर इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो आप बात कीजिए ब्रिक्स की बात करें, चाहे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात करें. एंड इसी के चलते व्हाट वी कैन डू इज हम क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो दुनिया के ऊपर, स्पेशली अफ्रीका के ऊपर, उसे हम मिटिगेट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल व्हाट दिस एडिटोरियल वाज टॉकिंग अबाउट. आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने नोट्स जरूर बना लिए होंगे. अब जाते जाते सबसे एक ही अनुरोध है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने यूपीएससी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, सबके साथ शेयर करें, है ना. और ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे जरूर दबाइएगा, बेल आइकन भी उसी के साथ दिया हुआ, वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट वाली वीडियो अपलोड हो आप सबको साथ के साथ ऐसे चुटकी बजा के मिल जाए नोटिफिकेशन, ताकि आपकी और हमारी ये दूरी दूर हो सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी. हैव एन ऑसम डे अहेड.